नमस्कार दोस्तों, जगतमान न्यूज़ की टीम पहुंची है बरोदा हल्का में। हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद डीपी वत्स जी। आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से वो भाजपा का माहौल बरोदा हल्का में देखते हैं और क्या यहां के मुद्दे उन लोगों ने उनके सामने, जब वो आए हैं तो उनके सामने रखे हैं। सर, आप आज बरोदा हल्का में आए हैं तो बरोदा हल्का में किस तरह का माहौल आपको भाजपा के प्रति नज़र आ रहा है? मैं बड़ौदा हल्का में सबसे पहले तो कहूँगा कि भाजपा का माहौल, जहाँ तक सवाल है, पूरे हरियाणा में हमारा बहुत बेहतरीन माहौल है और उसका सबूत ये है कि 10 की 10 सीटें हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में जीती हैं, जिसमें बड़ौदा हल्का भी आ गया। जहाँ तक पहलवान का सवाल है, ये पहलवान योगेश्वर दत्त, इसमें खास बात मुझे ये लगी कि इसने जात पात तोड़ रखी है इस हल्के में, बड़ौदे में, कि इसके साथ पहलवान जो लगे साथ। और जैसा इसका बुटाना गांव में भी स्वागत हुआ कि सरपंच घूम रहे हैं साथ में, तो इसके ऑफिस में भी मैं गया था गोहाना में, वहां भी बड़ी भीड़ थी। तो इसका सीट हम बहुत सेफ सीट समझते हैं पहलवान की। सर, जिस प्रकार से आपने कहा कि बरोदा हल्का में जात पात को तोड़ रखा है, क्या पूरे हरियाणा में जात पात चलने वाली है? नहीं, मैं कहता हूँ वैसे तो जिस दिन से मोदी आया जात पात टूट गई, कम हुई और जात पात के चक्कर में लोग पड़े नहीं, मोदी मोदी करके मोदी को वोट डाल गए 2014 में भी और अब भी पार्लियामेंट इलेक्शन में भी। और अब भी मैं जहाँ देख रहा हूँ कि वो जात पात वाला अब वो चक्कर चलना या जादू चलना ख़त्म हो गया लोगों पे, अपने विवेक से वोट देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों ने दिमाग बनाया है कि सेंटर में हमारी सरकार है और बढ़ के सरकार आई, यानी 303 हमारी खुद की और हमारे सहायक दल मिला के 370 धारा रिमूव करने के लिए लोकसभा में सीट ले गए मत, और 270 राज्यसभा में भी ले गए। प्रदेश में हमारी बड़ी लहर है, 75 पार का जो नारा है उसमें बहुत दम है। एक तो ऐसी स्थिति भी थी कि भाई हम यूं देखते थे कि हमारी कहां कहां सीटों पर हमारा भी है शोर, अब ये देखते हैं कि किन किन सीटों पर अपोजिशन का कोई ब्यौत है नहीं। तो उसमें हमारी सरकार बनना सुनिश्चित और निश्चित है प्रदेश में जी। जिस प्रकार से सर, यहाँ से 10-12 ऐसे कैंडिडेट थे जो टिकट की लाइन में थे, उनको टिकट ना देकर योगेश्वर को टिकट दिया गया है, क्या उन सब जो नाराज लोग थे, क्या उनको सबको साथ लाने में कामयाब रहे हैं आप लोग? देखो, जो भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेता है, ये तो गाँव का सरपंच है और कामयाब सरपंच है जी, तो क्या उसकी ऐसी आकांक्षाएं तो होती हैं जी, एम्बिशन होता है कि मैं MLA बनूं या MP बनूं और बाद में मंत्री भी बनूं। मगर हमारी पार्टी ऐसी है कि वो सब पार्टी के झंडे के नीचे फौरन आ जाते हैं जी। तो जिसको टिकट दिया पार्टी ने लाके, वो हमने बहुत उपयुक्त उम्मीदवार समझा, ईमानदार जी। सर, जिस हल्के में आप खड़े हैं यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, यहाँ परिवहन व्यवस्था की समस्या है, यहाँ शिक्षा के मामले में ये एरिया पिछड़ा हुआ ग्रामीण ये हल्का पड़ता है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पानी का जल भराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है, बहुत लोग दुखी हैं, आपकी सरकार 5 साल रहने के बावजूद भी स्थिति ज्यों की त्यों है, अब आप आए हो, आप पे लोग भरोसा करें, तो आप इन लोगों को क्या विश्वास दिला के जाते हैं कि ये समस्याएँ अगर मौजूदा आपकी सरकार दोबारा आती है तो क्या ये नहीं रहेगी? देखो, जहाँ तक परिवहन की स्थिति का सवाल है, परिवहन में तो ये मेरे सामने ही साल भर पहले बड़ा बढ़िया रोड बन गया था, जींद गोहाना रोड, आने जाने के लिए। हाँ, मैं बताता हूँ, अब इस पे पुलियों के लिए काम चल रहा है, जो ब्रिजेज बन रहे हैं, वो बन जाएगा, महीना दो महीने में काम बन जाएगा। बाकी हरेक गाँव से कनेक्शन है रोड का, जल, क्योंकि अभी तक मैं बाकी हरियाणा में जहाँ भी गया वो जल की कमी की स्थिति तो थी, जल भराव की स्थिति का आपने यही, हाँ, यहाँ जिक्र किया जी। तो जल भराव का तो यही है कि जल भराव में तो मोटर लगा के, ट्यूबवेल लगा के, अब हाल घड़ी तो वो स्थिति है नहीं,
अच्छे यहाँ तो जीरी खड़ी हुई है, बल्कि पानी की कमी से मैंने जीरी मरी हुई देखी जी। वो तो पानी की कमी है पूरे हरियाणा में, जब तक सतलुज यमुना लिंक कैनाल का पानी हमारे को नहीं मिलता और सरकार हरियाणा सरकार पानी की समस्या का समाधान करने के लिए हिमाचल से भी समझौता कर रही है और बाकी जगह हम स्रोत ढूंढ रहे हैं पानी के, कि जमुना का हमें और पानी मिले, किसाऊ डैम, इसी तरह हथनी कुंड बराज भी बड़ा कर रहे हैं, इसी तरह सतलुज यमुना लिंक कैनाल के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में केस है, हम जीते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है कि जल्दी समझौता करो, हम वरना अपना वर्डिक्ट दे देंगे जी। तो ये हमें अगले 5 साल में सोल्व होता लगता है। फिर भी पानी की समस्या ऐसी है कि जैसे हम ये भी कह रहे हैं कि भी अब अपनी फसल जो है धान को छोड़ के बाकी भी बोना शुरू करो जैसे पहले बोते थे, क्योंकि धान 5,000 लीटर पानी लेता है 1 किलोग्राम जी। वो इतना पानी अगर बारिश ना हो, वैसे कह देते हैं मगर पूरा हिंदुस्तान बारिश पर अभी भी मुनस्सर है, इस दफ़ा बारिश कम हुई तो ये समस्या आई। रही बात जल भराव की समस्या, वो तो मेरे गांव में भी जल भराव की समस्या थी, थुराने में मैंने मोटरें दे दी, खटाखट निकाल दिया, और जल भराव की परमानेंट समस्या का इलाज ये है कि नहर के साथ साथ ट्यूबवेल लगा के उसको नहर में पानी डाला जाए। सर वो डालने के बावजूद भी समस्या जो की तो है, लेकिन हम आपसे चाहते हैं कि आप कोई आश्वासन दे के यहाँ से जाएं कि अगर आपकी सरकार दोबारा आती है तो ये समस्याएं अगली प्लान में नहीं रहेंगी। मैं झूठे आश्वासन नहीं दिया करता, मैं एक आश्वासन ये देता हूँ कि इस समस्या का मैं आप मुझे लिखित में बता दें, कहें कि यही ये स्पेसिफिक गाँव में है, वरना जो जल शक्ति मंत्री हैं जी उनके संज्ञान में ज़रूर लाऊँगा और मेरे कांटेक्ट में बने रहना, इसका समाधान निकालेंगे हम। जल भराव की समिति वो समस्या सांपला में, बड़म्बा में तो मैंने देखी सड़क पाते जाते, वो तो अब सोल्व होगी है जी। यहाँ है जल भराव, हरियाणा में तो जल की भारी कमी है वैसे। चलिए सर जब हाँ। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जिस प्रकार से आप 75 पार का नारा देते हैं, तो जिस प्रकार से JJP पार्टी एक नई है और कुछ आपकी पार्टी द्वारा टिकटें नए लोगों को दिए जाने के कारण स्थिति असमंजस की बनी हुई है, क्या आप 75 पार कर पाएंगे? देखो JJP का जो दुष्यंत चौटाला लड़का, वो मेरे हल्के हिसार से ही इलेक्शन लड़ रहा था जी। और मैं ब्रजेंद्र सिंह के साथ इलेक्शन रिंग या कन्वेंसिंग कर रहा था, तो उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि दुष्यंत को ये कहाँ से हराएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता जी। मगर हमारी जीत हुई 3 लाख से जी। तो JJP पार्टी खुड़के दुड़के वाली पार्टी है, फिर फड़का भी कराया करे कि जीते बैठे हैं जी। मगर जब काउंटिंग होती है तो वो नतीजे सामने आते नहीं हैं जी। मैंने ये पुराना एक्सपीरियंस तो ये कितना अंदेशा आपको 75 पार करेंगे या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है? मेरे को तो ऐसा अंदेशा है कि देखो हरियाणा का जो वोटर है वो रूसिया करे मनन खातिर, तो वो रूस लिया, हमारे को सारे ऑब्जेक्शन जता दिए। कल मैं टोहाना में था, बड़ी रैली जो नरेंद्र सिंह तोमर ने की जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की, फिर नारणौंद में था और आज मैं यहाँ हूँ। सारे हमारे साथ रूसा मनी 15 तारीख तक है, उसके बाद सारा खेल ही मारा है जी। क्योंकि लोग इतने शाणे जरूर हैं, आज के दिन सबसे पहले ये देखें कि इनकी सरकार भी बने कि नहीं जी। और सरकार बनने के सारे सट्टे से लेके एग्जिट पोल ओपिनियन पोल तक वो देखते हैं, और आखिरी रात में भी फिर वो बनने वाली सरकार की तरफ आ जाते हैं। यही लोकसभा में हुआ और यही अब होगा। अब आप बड़ौदा हल्के में आए हैं, गोहाना हल्के भी साथ में टच करता है, तो आप लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों को ये अपील करूंगा कि पुराना हिसाब किताब देखते हुए और नया हिसाब किताब देखते हुए, मोदी जी ने देश प्रदेश में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है, पाकिस्तान को घेर लिया है, सर्जिकल स्ट्राइक भी की, और आर्टिकल 370 और 35A
उसको स्क्रैप करने में तो हमारा योगदान रहा, हमने खुद वोट डाला इतिहास बनाने में, इतिहास पढ़िया था, इतिहास बनते देखा था, इतिहास बनाया नहीं था, वो बना दिया। इसी तरह प्रदेश में भी ईमानदारी से काम हुआ है तो मैं कहूँगा जात पात से ऊपर उठ के प्रदेश का भला सोचते हुए, देश का भला सोचते हुए भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिता के भेजें। और योगेश्वर दत्त एक ईमानदार लड़का है, इसने बड़े बड़े ओलंपियन तैयार किए, खुद ओलंपियन है, ईमानदार यूँ समझता हूँ कि इसके पास 1 करोड़ों रुपये लेके दारू की कंपनी पहुँची गई हमारी ऐड दे दे, और ये बिल्कुल इनकार कर गया कि ना मेरे आर्य समाजी विचार हैं, मैं दारू की ऐड में कौन ही शामिल हूँ जी। तो ये आपके वोट का हकदार है, इसको जिता के भेजो जी। तो दर्शकों ये थे डीपी वत्स, राज्यसभा सांसद, जो कहते हैं कि रूठने मनाने की प्रक्रिया चल रही है और आखिरकार जो है लोग मान के बीजेपी के साथ आ जाएंगे और बीजेपी की दोबारा सरकार बनेगी और क्षेत्र के सभी मुद्दों को दूर करेंगे। कैमरामैन सोमवीर के साथ तेजवीर सिंह, गांव बुटाना, हल्का बरोदा, नमस्कार।